जय श्री राधा कृष्ण। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिल जाती है। कामदा एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री विष्णु की कृपा से हमारे मन की सभी कामनाएं यानी इच्छाओं की भी पूर्ति हो जाती है। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जो भी भक्त ये व्रत रखते हैं उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही उनकी सभी मन की इच्छाएं पूरी हो जाती है। कामदा एकादशी के दिन श्री विष्णु का दलोत्सव प्रभु का झूलन उत्सव भी होता है। आज के दिन शाम के समय श्री विष्णु भगवान की पूजा करके उनकी मूर्ति को झुलाने की परंपरा है। अब आज इस वीडियो में आपको कामदा एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ सरल पर बहुत प्रभावकारी फलकारी कार्य बताती हूँ, जिन्हें करने से जीवन में सुख शांति संपन्नता के साथ मन की इच्छाएं यूं पूरी हो जाती है। इसलिए कामदा एकादशी के दिन इनमें से कोई भी एक उपाय कर ले, सभी दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए हमें एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में बांके बिहारी लाल की जय लिखकर श्री बांके बिहारी जी महाराज के दरबार में अपनी हाजिरी लगा देना। अब चर्चा शुरू करते हैं। करना क्या है, सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और पीले वस्त्र पहने। भगवान विष्णु को मन में धारण करके उनके पवित्र नामों का पूरा दिन जाप करते रहें। मंदिर में रखे शंख में जल भरें और पूरे घर में छिड़काव करें, इससे पारिवारिक कलह दूर होता है। फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पूजन के समय पीले गेंदे के फूलों जरूर चढ़ाना, चाहे माला चढ़ाओ या फूल चढ़ाओ, साथ ही केवड़ा चढ़ाना। ऐसा करने से व्यक्ति की तरक्की होती है। पूजा के बाद पीले रंग के कपड़े में 7 हल्दी की गांठ बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करना, फिर उस गांठ वाले कपड़े को तिजोरी में रख देना। इससे आर्थिक स्थिति बेहतर होती है और धन वृद्धि के योग बनते हैं। पूजा के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को बढ़िया मखाने की खीर का भोग लगाना। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर डालना। अच्छा, इसके अलावा सुबह और शाम तुलसा जी के सामने दीप जरूर प्रज्वलित करना, देसी घी का। याद रखना, एकादशी वाले दिन दीप जरूर प्रज्वलित करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं पर जल अर्पित नहीं करते। इससे घर में पॉजिटिविटी आती है और निगेटिविटी दूर होती है। अगर कोई साधक है जिसके विवाह में बाधा आ रही है तो वो तुलसी के पौधे को लाल चुनरी उड़ाकर भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में उनकी पूजा करना। तुलसी महारानी के पास बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की कम से कम 11 माला जरूर करना। एक माला का मतलब है मंत्र 108 बार जपना। अच्छा होता है जाप आप तुलसी की माला पे करो, पर अगर कोई साधक है जिसके पास माला नहीं है तो वो उंगलियों पर गिनकर भी 11 माला कर सकता है। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है और जल्दी विवाह के योग बनते हैं। याद रखना, तुलसी की पूजा एकादशी वाले दिन सुबह और शाम दोनों समय करनी है। दोनों समय देसी घी का दीप प्रज्वलित करना है। अच्छा, इसके अलावा तो हो गई तुलसी जी की पूजा, पीपल की पूजा भी जरूर करनी है। कामदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें, 11 बार परिक्रमा लगाएं और कच्चे सूत को परिक्रमा के साथ पीपल जी पे बांधें। इससे कर्जे का बोझ उतर जाता है। पीपल के 5 पत्ते लें और उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इससे व्यापार में बढ़ोतरी होती है और धन लाभ के आसार बनते हैं। अच्छा, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के दिन शाम को या रात को भगवान विष्णु के सामने बैठकर उन्हें पीले फूल और चंदन अर्पित करें। इसके बाद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। भगवान विष्णु से अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। प्रेत योनि से अपने पूर्वजों को पितरों को मुक्ति दिलवाने के लिए कामदा एकादशी के दिन कथा जरूर पढ़े सुने और भगवान विष्णु को पितरों की मुक्ति की कामना से मीठे पकवान अर्पित करें। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते नारायणाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें।
जाप करते हुए मंत्र जोर जोर से और साफ बोले। कई लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, जिससे समझ में भी नहीं आता मंत्र क्या। ओम नमो भगवते नारायण, ओम नमो भगवते नारायण, ओम नमो भगवते, ये गलत तरीका है। हमेशा मंत्र जो भी जपे वो साफ बोले, ओम नमो भगवते नारायणाय। इस तरह साफ साफ बोलते हुए मंत्र का जाप करें और हर मंत्र के जाप पर एक गेंदे का फूल भगवान विष्णु को अर्पित करें। इससे नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती है, जीवन में तरक्की मिलती है। बहुत सरल चीजें बताई हैं, सभी बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। जरूर करके देखना और इसका प्रभाव मुझे कमेंट में जरूर बताना। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।